नीता दुगल ने कहा कि सिरसा के जन जन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मोहर लगाई है। उन्होंने कहा कि सिरसा की जनता ने पहली बार कमल खिलाकर इतिहास रचा है। सिरसा में अपनी जीत के बाद पत्रकारों से बातचीत में सुनीता दुगल ने कहा कि वे निर्वाचन क्षेत्र के सभी 18 लाख मतदाताओं की आभारी हैं। सिरसा में नशों का नाश उनकी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा वे सिरसा का चौतरफा विकास करवाएंगी, क्षेत्र में बड़ी केंद्रीय परियोजनाओं को शुरू करवाने का ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा। सुनीता दुगल ने कहा कि सिरसा के लिए कुछ न करने वालों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सिरसा में गढ़ टूटे हैं और कमल खिला है। न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। इतनी अच्छी तरह से इस महापर्व में पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त किया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की नीतियों में विश्वास व्यक्त किया और उस विश्वास को मतदान करके अपनी मोहर लगाई, तो मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से। और इसके साथ साथ मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो अपेक्षाएँ उन्होंने एक सांसद होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के सांसद से रखी हैं, तो मैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि मैं उस पर खरा उतरने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। यही कहना चाहूँगी कि मैं सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने इतना, मुझे लगता है कि शायद अब तक का सबसे सिरसा के जो है रिकॉर्ड में, इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा मार्जिन जो है वो मिल चुका है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सभी कार्यकर्ताओं का भी, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके मतदाताओं को जागरूक किया और उनको प्रेरित किया, उनको बाहर निकाला मतदान करने के लिए। तो मैं तहे दिल से सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं का, सभी कार्यकर्ता बंधुओं का और सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तंवर साहब कहते हैं कि इन चुनाव में कहीं मुद्दे गायब रहे, मोदी हावी हो गए। नहीं, देखिए ऐसा कि मोदी और मुद्दा तो दोनों अगर आप देखें तो बड़ा एक दूसरे का सिनोनियम है। मोदी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि वो जिस तरह का काम, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह का व्यवस्था परिवर्तन उन्होंने प्रधानमंत्री होने के नाते किया है, वो अपने आप में सबके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि या तो आप उनके टक्कर का नेता लेकर आइए कि जो उनके जैसा विजन रखता हो, जो उनके जैसी देशभक्ति की भावना रखता हो, जो उनके जैसा जनहित की भावना रखता हो, नहीं तो आपको इसी तरह से मात खानी पड़ेगी और बार बार खानी पड़ेगी। हरियाणा में सांसद बनने के बाद आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस एरिया के लिए? देखिए, मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा नशे का जो कारोबार है कि उसको हम किस तरह से नकेल कसें और जो हमारा युवा है अगर वो कहीं से कोई दिग्भ्रमित हो रहा है तो उसको कैसे हम मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आएँ, ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हमारा युवा, क्योंकि मेरी बहुत आपको ईमानदारी से बताऊं आत्मा द्रवित होती है जब मैं देखती हूं कि 25-30 साल के युवा जो हैं वो मौत के मुंह में जा रहे हैं और हम बिल्कुल जो है नव युवती जो हैं वो हमारी बेटियां वो विधवा हो रही हैं, तो मेरा दिल बहुत दुखी होता है। हर तरह से मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी कि यहाँ पर किस तरह से हम इलेक्शन सेंटर लेकर आएँ और यहाँ पर हम जो है इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करें कि हमारे बच्चे जो हैं वो इस दिशा में ना जाएं और विकास के रास्ते में। ऐतिहासिक जीत मिली है मैडम, तो क्या माना जाए कि ऐतिहासिक कार्य होंगे सिरसा में? बिल्कुल ऐतिहासिक कार्य होंगे क्योंकि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो जो कुछ भी होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक ही होगा, क्योंकि आप किसी भी जो सांसद यहाँ पहले बने हैं आप उनसे पूछिए कि आपने यहाँ पर सांसद बन के कुछ भी आप एक काम ऐसा गिनवा दीजिए जो आपने सिरसा की जनता के लिए किया। तो मुझे लगता है कि हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी कि हम केंद्र में जो भी योजनाएं हैं उनको यहाँ सिरसा की धरती पर लेकर आएं और जो भी काम ऐसा होगा, हम जो भी काम ऐसा लेकर आ सकें तो वो अपने आप में ऐतिहासिक हो ही जाएगा।